धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। नाम से मेरी कहानी शुरू हुई थी। मैं नहीं जानता कि उसे क्या हुआ, अभी वो कहाँ है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो मेरे आसपास ही है। अगर मैं जिंदा रहा तो इस कहानी का अंत कुछ और ही होगा। Nice view. आपका नाम? ये क्या? नाम जाने बिना ही आप लड़की देखने चले आए? I know, ये थोड़ा अजीब है। पापा ने कहा हम लड़की देखने जा रहे हैं तो मैं आ गया। Would you believe that? मतलब मेरी फोटो भी? शादी करने का इरादा है ना? Hey, या फिर? Nothing like that. देखो मुझे शादी तो करनी है पर लड़की को देखना वगैरह इन सब फॉर्मेलिटीज में मुझे थोड़ी बहुत परेशानी होती है। परेशानी मतलब? मतलब अब तक मैंने कई रिश्ते देखे हैं और सभी को मुझे मना करना पड़ रहा है। उन्हें हर्ट होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मना क्यों कर रहे हैं? किसी से प्यार करते हैं क्या? सॉरी, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। That's okay. प्यार तो नहीं करता, जस्ट अ क्रश कॉलेज डेज में। एज यूजुअल प्रपोज करने की हिम्मत नहीं हुई तो ऐसे ही लटक गया। स्ट्रेंज, आजकल आप जैसे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वैसे आज के लड़के बहुत जल्दी प्रपोज कर देते हैं। मुझे भी कई लोगों ने प्रपोज किया है। तो आपको उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया? एक लड़के का अप्रोच पसंद आया था, बट मैं कोई फैसला नहीं कर पाई। उसके बाद एक और रिश्ता आ गया। बाय द वे, सब कुछ बताया आपने अपने नाम के सिवाय। सॉरी दिशा। सॉरी दिशा, इंटरेस्टिंग नेम। मेरा नाम अरविंद है। जानती हूँ, नाम अरविंद। श्रीनगर कॉलोनी में रहते हैं। एज 28, हाइट 6'1", एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है।
सिगरेट दारू की आदत नहीं है, पर इस पर तो मुझे शक है। मानना पड़ेगा, मेरे बारे में मुझसे ज्यादा आप जानती हैं। तो मेरे बारे में और क्या जानना चाहते हैं आप? या कॉफी बहुत अच्छी बना लेती हो तुम। कैन आई गेट वन मोर कप कॉफी? या थैंक्स फॉर द कॉफी। अब हो गया ना? तो अब अंदर जाएं? मतलब ये रिश्ता भी? ऐसा लग रहा है आप रिश्ता देखने नहीं कॉफी पीने आए हैं यहाँ पर। एनीवे, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट रिश्ता। पापा वो मुझे दिशा बहुत पसंद है। साथ चलो हम सफर मुझे बना लो, मंजिल से मुझे मिला दो अपना मुझे बना लो, प्यार से मुझे पुकारो दिल में मुझे उतारो, संग में पल गुजारो जिंदगी सवारो। जब से तू मुझे है मिला दिल को सुकून है मिला, जब से तू मुझे है मिला ओ, दिल को सुकून है मिला। नसीबों से है मिली लम्हों में प्यार के है ढली, आ प्यार कर लूं बाहों में भर लूं, ख्वाहिश मैं दिल की सब पूरी कर लूं। इस रूह में तुम आ मिलो, सांसों में मेरी हवा सी घुलो। जब से तू मुझे है मिला दिल को सुकून है मिला, जब से तू मुझे है मिला ओ, दिल को सुकून है मिला। नींद चुरा के नैनों में बसा लो, नींद चुरा के आसमां हूं तू है जमीन, तेरे बिना मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी तो दुनिया बस है ये तुझ में, रहना हमेशा बस तू ही मुझ में। तो जिस्म हम एक जान है, एक दूजे बिन हम तो बेजान है। जब से तू मुझे है मिला दिल को सुकून है मिला, जब से तू मुझे है मिला ओ,
सुकून है मिला, नींद चुरा के नैनों में बसा लो, नींद चुरा के। क्या हुआ? क्या लगता है तुम्हें? हाँ? क्या होगा, लड़का या लड़की? जो भी हो, हमारे हाथों में तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन सोचने में हमारा क्या जाता है। लड़की, हम दोनों को लड़की ही चाहिए ना, पर अगर लड़का हुआ तो? तो तुरंत लड़की की कोशिश शुरू। कौन था? फ्रेंड है। मतलब लड़का है या लड़की, फर्क क्या है? मतलब ऐसे वक्त पर कौन सी लड़की मैसेज करती है? लड़की नहीं, लड़का है तो क्या हुआ? अरे इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? मैंने तो ऐसे जनरली पूछ लिया। जो पूछना है सीधा पूछ लो। हाँ, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रही हो? क्या तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात है? देखो आजकल बहुत सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं, तो मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछा। अब बस भी करो। हे दिशा, बेबी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। छोड़ो मुझे। दत्त, क्या कर दिया? बेबी, मुझे तुम पर बिल्कुल भी शक नहीं है, प्यार है और इसीलिए इनसिक्योरिटीज भी हैं। शायद मैंने किसी से इतना प्यार कभी किया ही नहीं, मेरी मां के सिवाय, और अब वो नहीं रही है। मैं उन्हें तुम्हें देखता हूं, अब तुम कहीं मुझसे दूर ना हो जाओ इसी डर से मैं ये सब बोल गया। मैं तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं चाहता था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दिशा। सो गई हैं आप, बहुत अच्छे। लव यू। नमस्कार, चर्चा मंच पर आपका स्वागत है। मजाक मजाक में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट अब नए मोड़ ले रहे हैं। कुछ दिन पहले असेंबली में सो रहे रूलिंग पार्टी के एमएलए दयाशंकर पर तू जो भी हो नाम के मीम पेज के एडमिन को गिरफ्तार किया गया है, तो इस पर विपक्ष पार्टी के कुछ नेताओं के साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। तो अभिव्यक्ति आजादी के नाम से अपमानजनक पोस्ट करें या शेयर करें तो सजा भुगतनी पड़ेगी, ये कहना है पुलिस का। इसलिए हमने ये चर्चा मंच तैयार किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सच्चाई को जनता के सामने लाना। इस बात पर हमसे चर्चा करने के लिए रूलिंग पार्टी के नेता विष्णुवर्धन जी, अपोजिशन पार्टी के नेता बंडला प्रसाद जी, सामाजिक कार्यकर्ता केदारनाथ जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चर्चा को। दिशा, दिशा तैयार हो?
तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें ड्रॉप करने के चक्कर में लेट हो जाएगा। मैं ऑटो से चली जाऊंगी, तुम जाओ। ये अच्छा है, अगर पहले बता देती तो मुझे लेट नहीं होता ना। छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू बना रही है। अब इसके चक्कर में बॉस से डांट खानी होगी। जी है क्या? वो अभी ऑफिस गए हैं। मुझे जरा आपसे कुछ काम था। आई मीन आईफोन, तुम्हारी तरह मेरा भी आईफोन ही है। मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, तुम मुझे चार्जर दोगी क्या? रुकिए, अभी लाती हूँ। मिलकर खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। खाओगी क्या? आपको डोसा चाहिए? तुमने बनाया तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। आइए ले लीजिए। एक्चुअली सोच रही थी कुत्ते को खिला दूं। नहीं चाहिए? ठीक है, कुत्ते को ही खिला देती हूँ। अब आप जाएंगे? मुझे बहुत काम है। क्या काम है? मेरी हेल्प चाहिए क्या? दरवाजा उस तरफ है और जाते हुए बंद करके जाइएगा। लगता है तुम्हारा मूड खराब है। जब अच्छा होगा तब मैं आऊंगा। जानते हुए भी बेकार में झगड़ा कर लिया। तत पता नहीं कितना बुरा लगा होगा उसे। अब कभी उसे दुखी नहीं करूंगा। उसने मैसेज क्यों नहीं देखा अब तक?
सॉरी यार, सॉरी दिशा। अब तक नहीं आई होगी क्या? 8 बज रहे हैं अभी तो। Dish is waiting for you. श्रावणी। हाँ अरविंद, बोलो। दिशा अब तक घर नहीं आई है। हाँ अरविंद, आज वो बुटीक भी नहीं आई थी। बुटीक नहीं आई थी? हाँ, उसने सुबह कॉल करके कहा था कि उसका मूड ऑफ है, शायद कहीं बाहर गई होगी, जाके देखो। हाँ देखता हूँ। रामू काका। सर। रामू काका। हाँ। आज दिशा मैडम को आपने बाहर जाते हुए देखा? आज मैम साहब को नहीं देखा सर। नहीं देखा? हाँ। क्या हुआ सर? सर हेलो। हाँ। अरविंद, कैसे हो बेटा? हाँ ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। दिशा तो कैसी है? है क्या कर रही हो वो? हेलो अरविंद। हाँ माँ, दिशा भी ठीक है, मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, मैं जरा आपको बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अरे कहाँ चली गई होगी? कौन से ईयर में पढ़ रहे हो? बीटेक थर्ड ईयर सर। ये कॉलेज में जूनियर्स की रैगिंग जैसा लगता है तुम्हें? नहीं सर। एमएलए पर पोस्ट करेगा? हाँ दोबारा ऐसा काम किया ना तो हड्डी पसलियां तोड़ के रख दूंगा। ठीक है सर, इस बार छोड़ रहा हूँ, समझा कि नहीं? ठीक है सर। वैसे पोस्ट क्या किया था? फोन दो इसे। हाँ ये लो। सर ये सर मेरा कोई लेना देना नहीं है, 6 लाख फॉलोअर्स है सर, मैंने ये मीम बनाया था सर। अपनी क्रिएटिविटी काम की चीजों पर दिखाओ। ठीक है सर।
दोबारा ऐसा मत कर। ठीक है सर। हाँ ओके सर, भेज दो। सर एमएलए दयाशंकर का बेटा मुन्ना आ रहा है सर, वो पहले से सर फिरा है, अगर इस लड़के को देख लिया तो पता नहीं क्या करेगा सर। नमस्ते सर। नमस्ते। पापा को किसी ने ट्रोल किया था ना, किधर है वो? उसे कड़क सी वार्निंग दे दी है मुन्ना, डीएसपी साहब ने भी कहा है मामले को रफा दफा करो। सर मैं भी उसे ये सब बंद करने के लिए ही कहने आया था, कॉम्प्रोमाइज करूंगा, डोंट वरी। सर चलता हूँ सर, थैंक यू। मुन्ना अब बस करो ना। बच्चा है, मार दोगे क्या? पापा ने क्या कहा, तुम क्या कर रहे हो? अरे रे 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 रे, बहुत मार दिया। पढ़ने वाले तुम जैसे स्टूडेंट्स को ये सब की क्या जरूरत? पापा ने भी तुम्हारे करियर के बारे में सोचकर ही तुम पर केस करने से मना किया है। तुम उन्हें ट्रोल कर रहे हो, वो बड़े दिल वाले हैं, वो तुम्हारा भला सोच रहे हैं। ठीक है एक काम करो, उन्हें ट्रोल करने की बजाय अपने पेज पर सॉरी कहते हुए एक वीडियो पोस्ट करो। ठीक है चलो 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 उठो। ठीक है अच्छा ध्यान से घर जाओ, अच्छी तरह पढ़ाई करो, ठीक है ना? हॉस्पिटल ले जाकर फर्स्ट एड करवाओ। ओके जाओ। ओके सर। ले जाओ। सर 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 फिक्र मत कीजिए, मेरी वाइफ लापता है सर। ले जाओ इसे। हाँ मेरी वाइफ दिशा सुबह से लापता हो गई है। तुम्हें कैसे पता? सुबह मैं ऑफिस गया था और जब शाम को लौटा तो वो घर पर नहीं थी सर। ऐसे केसेस में कई लापता लोग लौट कर आ जाते हैं, कहीं गई होगी। वो जल्दी ही आ जाएगी, चिंता मत करो, थोड़ा इंतजार कर लो। नहीं मतलब वो बिना बताए कभी ऐसे जाती नहीं है सर। उसका मोबाइल भी घर पर ही है और ये भी अनलॉक नहीं हो रहा है। उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ नहीं है। ऐसे में मुझे शक हो रहा है सर। अच्छा बताओ तुम्हें किस पर शक हो रहा है? तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ? नहीं सर। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बहुत सिंपल है, लेडीज पर होने वाले 95% क्राइम्स हस्बैंड या वाइफ का किसी से अफेयर की वजह से या फिर दहेज की वजह से होते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ठीक है डिटेल्स देकर जाओ, हम इंक्वायरी करेंगे। सुब्रमण्यम जी सर, कंप्लेंट लिख लो। हाँ सर। कंप्लेंट लिख कर दीजिए। फोटो हो तो दीजिए। हाँ ठीक है।
सर, सीसी फुटेज जो है मदन जी के पास होती है सर, लेकिन कुछ दिनों से कैमरे काम नहीं कर रहे हैं सर। तो यहाँ पर कोई है जिस पर शक है? नहीं सर। कल कोई नए लोग यहाँ पर आए थे क्या? कोई नए लोग नहीं आए थे सर। रामू काका, ठीक से याद कीजिए ना, कोई नए लोग आए थे क्या? नए लोग मतलब रोज आने वाली स्कूल बस आई थी बाद में। हाँ, कल एक आदमी कार में आया था सर। आकर कहाँ गया था? हाँ, 1401 में गया था सर। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, हाँ। अरविंद, एक बार दिशा के वर्क प्लेस पर चलें। हाँ ठीक है सर। सर इसे ध्यान से रखो। सर यही वो श्रावणी जी। अरविंद, दिशा नहीं आई क्या? नहीं दिशा। श्रावणी, दिशा कल से नहीं मिल रही है। कल वो यहाँ आई थी? नहीं सर, नहीं आई थी। पहले तुमने कभी देखा है क्या कि कोई उसे परेशान कर रहा है या फिर उसका पीछा कर रहा है? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा था, पर एक दिन वो अपने क्लासमेट से मिली थी बाहर, बस इतना ही जानती हूँ सर। मैंने पूछा तो उसने कहा कॉलेज का फ्रेंड है, पर पता नहीं क्यों उसका उस दिन मूड ऑफ था। वो क्लासमेट कैसा दिखता है? मैंने ठीक से नहीं देखा सर, दुबला और लंबा था। हाँ, दाढ़ी भी थी, मैं अच्छे से देख पाती इससे पहले वो चला गया। अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो हमें तुरंत बताना। ओके सर, बता दूंगी। चले यहाँ से। यस सर। सर, आज कुछ पर्सनल काम आ गया है तो मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। क्या अरविंद, जानते हो ना एनुअल रिव्यू है, तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो। सर, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा सर। नो अरविंद, जस्ट वन आवर, चाहो तो मीटिंग खत्म होने के बाद चले जाना, प्लीज कम। ठीक है सर, मैं आता। ओके। हेलो। हाँ माँ, बोलिए ना। दिशा को कॉल कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रही है, वो कहाँ है? दरअसल वो नहाने गई है माँ, बाहर आते ही फोन कराता हूँ। अरे वो। अच्छा माँ, हमारी वेडिंग एल्बम आपके घर पर है क्या? नहीं अरविंद, तुम्हारे लगेज बैग में ही रखी थी। लगेज बैग में? अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ माँ। वो बैग कहाँ गया? बेटा,
ये बैंगल आपको कहाँ से मिली? सीढ़ियों पर खेल रही थी तब मुझे मिली अंकल। दिशा की बैंगल सीढ़ियों पर कैसे आ गई? रामू काका, रामू काका। सर 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 सर, आपने बताया था ना कल कार लेकर कोई आया था। कितने बजे आया था वो? 10 से 11 के बीच में आया था सर। कौन सी कार थी उसके पास? काले रंग की थी सर। काले रंग की मतलब? हाँ हाँ, मतलब हेलो श्रावणी। बोलो अरविंद। उस दिन जो लड़का दिशा से मिलने आया था वो कौन सी कार लेकर आया था? ब्लैक स्कोडा। ब्लैक स्कोडा, और उसने आपसे क्या कहा? वो किससे मिलने आया था यहाँ? हाँ सर, 1401 में तो गया था। हाँ, मदन जी के पास गया था सर। मदन? आओ अरविंद। कल आपसे कोई मिलने आया था? आपका कोई गेस्ट? कल कोई नहीं आया। वो कल लगभग 11 बजे के आसपास होगा, और वो ब्लैक स्कोडा लेकर आया था। नहीं, स्कोडा वाला कोई नहीं आया। Are you sure? एक बार ठीक से सोच कर बताओ ना। मैं तो श्योर हूँ। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या हुआ अरविंद? अरविंद, कल एक आदमी कार में आया था सर। सीढ़ियों पर खेल रही थी तब मुझे मिली अंकल। काले रंग की गाड़ी थी सर। ब्लैक स्कोडा। समथिंग इज मिसिंग। कंप्लेन दिए 10 दिन से ज्यादा हो गए। आप ही सर से बात कीजिए ना। मैं बात करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ रमन? नमस्ते। सर ये शहर में चकला हाउस चलाता है सर। हर हफ्ते हमें पैसा भी देता है सर, पर 15 दिन पहले इसके यहाँ से एक लड़की गायब हो गई थी सर। हम लोगों ने ढूंढा पर मिली नहीं सर। वो लड़की खुद ही कहीं भाग गई होगी और आराम से रह रही होगी। बोलो उसे ढूंढना छोड़कर काम धंधा करें। सुन लिया ना एसआई साहब ने क्या कहा? सर, उस लड़की पर हमने बहुत पैसे लगाए हैं। लड़की नहीं मिली तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, उसकी फोटो देकर जाओ, मैं उसे देखता हूँ। लेकिन थोड़े पैसे लगेंगे, मुझे खुद काम करना पड़ेगा ना। ओके ठीक है, फोटो दे दो। ओके आप जाइए। चल। सर सर सर, दिशा को किसी ने किडनैप किया सर। किडनैप किया? तुम्हें कैसे पता? हाँ, ये दिशा की बैंगल है, अपार्टमेंट में सीढ़ियों पर मिली है। तो जरूर किसी ने घर के अंदर जाकर दिशा को किडनैप किया है सर। बड़ी अजीब बात है। वैसे ये बताओ, कोई भी किसी के घर जाकर उसे किडनैप क्यों करेगा? अब वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, जिस दिन आप मेरे घर आए थे तब वॉचमैन ने जिस कार वाले के बारे में आपसे बात की थी, ये जरूर वही होना चाहिए सर। वही शख्स? यस सर। श्रावणी ने हमसे क्या कहा था कि उस दिन एक लड़का श्रावणी से कार में मिलने आया था, और वॉचमैन ने कहा कि जो शख्स अपार्टमेंट में आया था वो भी कार लेकर ही आया था। शख्स का पता नहीं, लेकिन दोनों जगह कार एक ही है सर, ब्लैक स्कोडा। गाड़ी में आने वाले ने कहा कि वो 1401 फ्लैट में किसी से मिलने जा रहा है। फ्लैट वाला बता रहा है कि उसे मिलने कोई भी नहीं आया। सो 11 के बाद वो अपार्टमेंट में आया था, स्टेयर्स के पास कार को पार्क किया, 11:20 को फ्लैट के अंदर जाकर दिशा पर अटैक किया। उसने इस बात का ध्यान रखा कि किसी के आने से पहले सारे सबूत मिटा दिए जाए। दिशा को रैक से लगेज बैग में रखकर छुपाकर सीढ़ियों से उतारकर बहुत ही चालाकी से कार की डिक्की में डाल दिया और उसके बाद वहां से रवाना हुआ। यानी कोई चुपके से आया और तुम्हारे फ्लैट में घुस गया और उसके बाद तुम्हारी वाइफ को लगेज बैग में डालकर ले गया? बिल्कुल सर।
ओके, हम देखेंगे, डोंट वरी। एक और बात सर, हमारे अपार्टमेंट में आने के लिए आसपास के सिग्नल्स क्रॉस करने पड़ते हैं। एक बार उनकी सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी तो आपको पता लग सकता है सर। उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, हम देख लेंगे, तुम जाओ। ऐसा नहीं है सर, मैं बस फोर जी आने के बाद सब इंग्लिश फिल्में देख रहे हैं सर। उसी का सर है, 1401 में आने वाले ने झूठ बोला। जब हम इंक्वायरी कर रहे थे तब 1401 से हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा था, मतलब दोनों का कोई लिंक है। क्लूज टीम को अरविंद के फ्लैट में भेजो, पता लगाते हैं कि किडनैप हुआ है या नहीं। ओके सर। दो दिन से आपके सामने के फ्लैट में रहने वाले अरविंद की पत्नी नहीं दिखाई दे रही है, आपको पता है? पता है सर, मेरे पति ने बताया था। जिस दिन वो लापता हुई थी आपके अपार्टमेंट में एक आदमी आया था, उसने खुद वॉचमैन को ये बात बताई थी कि वो आपके फ्लैट में जा रहा है। नहीं सर, उस दिन तो कोई भी नहीं आया था। ठीक से याद करके बताई, सुबह 11 से 12 के बीच। उस वक्त मैं घर पे ही थी सर, कोई भी नहीं आया। उस समय आपके हस्बैंड घर पर ही थे? नहीं जी, वो अपने किसी फ्रेंड से मिलने बाहर गए थे। क्या बात है, क्या चाहिए आपको? दिशा मिल नहीं रही है ना जी, इसीलिए पूछताछ करने यहाँ आए हैं। ये सब लेडीज को कैसे पता होगा सर? घर में अगर कोई मर्द है तो उसे बुलाइए सर। हाँ रमन, सॉरी सर। ठीक है, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। मैडम। हाँ। थोड़ा नींबू पानी देंगे क्या? देती हूँ। दरअसल धूप में आए ना इसलिए सर। आपसे कुछ बात करनी है। अंदर आइए प्लीज। अपार्टमेंट्स के सीसी कैमरास, सुना है उनका मेंटेनेंस आप ही करते हैं? हाँ सर। परसों की सीसी कैमरा फुटेज चाहिए। वो नहीं है सर। मतलब हार्ड ड्राइव फुल हो गई थी, इसलिए बाद में कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अच्छा, परसों उस वक्त आप कहाँ पर थे? घर पर ही था। ठीक से याद करके बताइए सर। ठीक से याद करके बताऊं, ये कोई कौन बनेगा करोड़पति गेम शो थोड़ी ना है। मैं घर पर ही था सर। आपके मिसेज का कहना है कि उस वक्त आप कहीं बाहर गए हुए थे। ऐसा कहा क्या? तो शायद बाहर ही गया होगा सर। तो बताइए उस वक्त आप कहां पर थे? वॉचमैन ने कहा परसों जो आया था वो तुम्हारे ही फ्लैट में आया था, और तुम कहते हो कि तुम उस वक्त अपने घर पर ही थे। हाँ सर। पर थे नहीं, और कुछ दिन पहले से ही सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मतलब आने वाले और तुमने पहले से ही ये सब प्लान करके दिशा के साथ कुछ किया। सर क्या किया? कहाँ छुपाया? सर दिशा को मैं क्यों छुपाऊंगा सर, दिशा तो मेरी बहन की तरह है सर। ओह, तो उस दिन कहां थे तुम? सर सच में याद नहीं आ रहा कि मैं कहां था। सर दिशा के फ्रेंड में से एक लड़की का एड्रेस मिला है सर। मेरे वापस आने तक याद कर लो, अगर मुझे याद दिलाना पड़ा तो कभी भूल नहीं पाओगे।
तुम और दिशा क्लासमेट्स थे? दिशा का कॉलेज में किसी के साथ लव अफेयर था क्या? देखो पल्लवी, दिशा 3 दिन से गायब है। अगर तुम सच बता दो तो उसे बचाया जा सकता है। जनरली वो लड़कों के साथ कुछ क्लोज ही रहती थी, लेकिन एक लड़के के साथ उसका लव अफेयर था, ऐसा पूरी कॉलेज को लगता था। क्या नाम था उसका? उसका नाम मधु है। ज्यादा नहीं जानती, लेकिन वहां पर वो कुछ सॉफ्टवेयर कोर्स कर रहा था, ऐसा मेरे दोस्त ने बताया। इससे तुम्हें क्या समझ में आया रमन? किसके बारे में सर? दिशा खुद ही अरविंद को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई होगी, नहीं तो उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद अरविंद ने ही कुछ किया होगा। सर ये सब जानने के लिए पहले मधु को पकड़ना होगा। नंबर सही है ना सर? वो ब्लैक स्कॉडा कार के बारे में कुछ पता चला? यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरे एक फ्रेंड से मिलने आया था सर। कौन सी फ्रेंड? वो या फिर मधु को ढूंढते हुए आया? यस सर। क्यों? मधु और दिशा कॉलेज के फ्रेंड्स हैं सर, शायद उसे मिलकर हमें कोई लीड मिल जाए। मतलब तुम मधु को अच्छे से जानते हो? तुमने कहा तुम्हारी वाइफ से तुम्हारा झगड़ा नहीं हुआ? नहीं तो ये क्या है, झगड़ा नहीं हुआ फिर भी सॉरी लिखा है? हाँ सर, हस्बैंड वाइफ के बीच ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। वैसे कार की इन्फॉर्मेशन दिए 2 दिन हो चुके हैं सर, वो सब छोड़कर आप ऐसे में बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा मुझे सिखा रहे हो कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं? दिशा के साथ क्या किया? मैं दिशा के साथ क्या करूंगा? आप मुझे पर शक कर रहे हैं? आप इंक्वायरी नहीं करना चाहते तो बता दीजिए, लेकिन जो मुंह में आएगा वो बोलेंगे, तो मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ। आप कार वाले को ढूंढिए ना सर। तुम्हारी बीवी और मधु का पहले से अफेयर था जो शादी के बाद भी चल रहा था, तुम्हें पता चला तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम दोनों में झगड़े होने लगे, इसीलिए दिशा के साथ तुमने कुछ किया। क्या किया बताओ? इस पर हाथ उठाएगा तू? हाँ क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, मुझे मत सिखा। चलो मैंने बताया था ना रमन, ये सब उसी ने किया है। जरूर उसकी बीवी का किसी के साथ अफेयर था, जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसे मार दिया और एक नई स्टोरी बनाकर हमारे सामने पेश कर रहा है। मुझे तो पुलिस के ऊपर ही शक हो रहा है। ऑलरेडी 2 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्लू दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उल्टा पूछने पर मुझे इतना मारा। पुलिस को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, वही गुंडों की तरह पब्लिक को सड़क पर मारेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर होता है कि नहीं होता? I want justice for this. मेरी वाइफ लापता है, मैंने कंप्लेन की तो मुझे ये इनाम मिला। क्या कर रहे हो? जनता में हमारी जो खराब इमेज है वो काफी नहीं है क्या? वैसे भी
वो इतना साफ साफ क्लियरली क्लू बता रहा है तो देखने में तुम्हारा जाता क्या है? तुम्हारा ईगो तुम्हारे काम के बीच में आता है ना? ऐसा नहीं सर, दरअसल हुआ ये था मुझे कि... कुछ मत बताओ। देखो हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी ना हो इसलिए फौरन इस केस को क्लोज करो, समझ में आया ना? यस सर। हाँ अब मजा आएगा। ये है पुलिस का असली चेहरा। जब पीड़ित ने अपनी पत्नी के केस में सबसे जरूरी क्लू दिया तो उसे नजरअंदाज करना कुछ शक पैदा कर रहा है। मुजरिम कौन है क्या पुलिस पहले से जानती है? जानते हुए भी उसकी रक्षा कर रहे हैं ये लोग। रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। अरे बाप रे सर, 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 नहीं सर, नहीं सर, पुलिस को सबने मजाक समझ रखा है, अच्छे से समझाओ तो समझ नहीं आता। मैंने कुछ नहीं किया, अब समझ में आ गया। ये ले, ये ले, छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ गए थे उस दिन? सर फिल्म देखने गया था सर। कौन से थिएटर में? चूती में। उस थिएटर की सीसी फुटेज मंगवा। ओके सर। पता चल जाएगा ये सच बोल रहा है या नहीं। सच कह रहा हूँ सर। क्यों बे, लाठी पड़ने से पहले सच बाहर नहीं आता क्या? बहुत मारा सर ने। कौन सी फिल्म देखने गए थे? वो तो याद नहीं आ रही। ऐसा ही साहब। सर, 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 याद आ गई। अंधेरे कमरे में मौज मौज मस्ती। मजा आया ना? फॉरवर्ड फॉरवर्ड पॉज 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 एग्जिट व्यू ओपन कीजिए। फॉरवर्ड बैक 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 पॉज। एक पांच पर बाहर आया था। तीन दिन पहले गायब हुई दिशा के केस में नए पहलू नजर आ रहे हैं। पुलिस का मानना है कि दिशा का शादी के बाद भी कहीं और अफेयर था। अचानक से उसके लापता होने का कारण किसी और के साथ उसका संबंध। इतना सब होने के बावजूद भी हमें क्यों नहीं बताया? मुझे भी कुछ नहीं बताया अंकल, अगर बताता तो मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करता ना। इतना सब होने के बावजूद भी क्यों नहीं बताया मुझे? ऐसा क्या हो गया बेटा, तुम दोनों में झगड़ा हुआ? दिशा के बारे में टीवी पर न जाने क्या क्या कह रहे हैं, पर दिशा वैसी नहीं है अरविंद। तुम्हारे कहने पर हमने पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई। तुमने जो टाइम बताया था तब का स्कोडा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्लूज टीम ने जो रिपोर्ट दी उसके हिसाब से यहां किसी तरह के किडनैप का कोई सबूत नहीं मिला। सो तुम्हारी गाड़ी की कहानी झूठी है, उसमें आने वाला आदमी भी झूठा है। हाँ, उस कार के बारे में बताने वाला वॉचमैन सडनली अपना जॉब छोड़ गया, कहाँ गया किसी को नहीं पता। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये कोइंसिडेंस है या कहानी है जल्दी ही पता लग जाएगा। आउट। मीडिया के सामने सीन क्रिएट करके मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। गेट आउट। सुनो मां, दिशा और मेरे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है। आपने उससे जितना प्यार किया है ना, उतना ही प्यार मैंने उससे किया है। दिशा के साथ क्या हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। पापा आप मां को लेकर घर चले जाइए, जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा। ठीक है बेटा, चलो। तो अपना ध्यान रखना। पापा आप भी घर जाइए, वरुण आपको घर ड्रॉप कर देगा। कैसे जाऊं बेटा तुम्हें इस हाल में छोड़कर? मेरी फिक्र मत कीजिए पापा, यहां रहकर भी आप क्या करेंगे। प्लीज पापा मेरी बात मानिए और घर जाइए। आई कैन हैंडल दिस। ठीक है वरुण, तुम पापा को अपने साथ लेकर जाओ। ठीक है।
सर लड़की के बॉयफ्रेंड ने कुछ तो किया होगा ना सर? पता नहीं। अरविंद जिस कार की बात कर रहा है वो कहाँ है? कार के बारे में बताने वाला वॉचमैन कहाँ है? हाँ सर, पर क्यों सर? उसको अंदर डाल के धोएंगे ना तो सच बता देगा सर। हाँ धोना तो मुझे है उससे, लेकिन अगर मैंने उसकी लॉकअप में पिटाई की तो न्यूज में आएगा कि पुलिस ने अपना बदला ले लिया। सबूत के साथ पकड़ना है उसे। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आफ्टर अ शॉर्ट गैप, मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिनों से अपने पेज पर पोस्ट नहीं कर पाया, आई एम सॉरी अबाउट दैट, पर अब से गैप आए बिना आपको एंटरटेन करूंगा, ये मेरा आपसे पूरा वादा है। एंड स्टे ट्यून टू योर पेज, मैं आधे घंटे तक रूबरू रहूंगा। शूट योर क्वेश्चंस, 1 2 3 गो। हाय ब्रो, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रो, थैंक यू। एमएलए दया पर आपके मीम्स बहुत अच्छे थे, वी वॉन्ट मोर। थैंक्स ब्रो, बट वो आउटडेटेड हो गए ब्रो। आपके लिए उससे ज्यादा सरप्राइजेस मेरे पास रेडी है, वेट फॉर इट। हाय एडमिन ब्रो, आपके चेहरे पर चोटें कैसे लगी? ये मत कहो कि बाइक से गिर गए, ऐसा लग रहा है किसी ने मारा है। यू आर राइट ब्रो। उस एमएलए पर मीम्स बनाया था आपको एंटरटेन करने के लिए, उस एमएलए के बेटे का गिफ्ट है ये। ऊपर से सॉरी कह के पेज पर पोस्ट भी कर दिया था। हमारे देश में असेंबली में सोने वाला नेता गलत नहीं, पर जो मीम बनाता है वो गलत ठहराया जाता है। गाइस एक बार सोचे तो हम किसे असेंबली में भेज रहे हैं, प्लीज एक बार सोचिए वोट देने से पहले। वैसे भी मैं उसकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ और ना मैं चमचागिरी करने वाला हूँ। मेरे पेज का नाम जानता है तो आके उखाड़ ले। छोड़ूंगा नहीं इसे। बनाया था आपको एंटरटेन करने के लिए, उस एमएलए के बेटे का गिफ्ट है ये। ऊपर से सॉरी कह के पेज पर पोस्ट भी कर दिया था। हमारे देश में असेंबली में सोने वाला नेता गलत नहीं, पर जो मीम बनाता है वो गलत ठहराया जाता है। हेलो हेलो सर, अभी बिजी हैं। हेलो बोला ना, रुको, ए अंदर मत जाओ। दिशा खतरे में, एंड आई नीड योर हेल्प। ये मैसेज दिशा के नंबर पर आया है। इस नंबर पर मैंने 2 बार कॉल किया लेकिन उन्होंने काट दिया। और इतना ही नहीं, एक बार इस मैप को देखिए, ये सब एक प्लान के मुताबिक हुआ है सर। इन केस वो इस रूट से आया होता तो हमें इस कैमरे से फुटेज जरूर मिल जाती, मतलब उसने अल्टरनेट रूट यूज किया होगा। वो यहां की जगह इस रास्ते से सीधा हमारे अपार्टमेंट में एंटर हो गया होगा। इस रास्ते पर कोई भी कैमरा नजर नहीं आ रहा है सर, इसलिए हमारे पास फुटेज नहीं है। ऐसे में अगर आप इमीडिएट एक्शन लेंगे सर तो दिशा को बचा सकते हैं। कंट्रोल रूम कॉल करके इस नंबर को ट्रेस करने के लिए बोलो। ओके सर, मोरली पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, एक नंबर है जिसे अर्जेंट ट्रेस करना है। देखो थोड़ा अर्जेंट है, एसआई साहब ने बोला है 9121825096। देखिए बहुत अर्जेंट है सर। सिम लोकेशन नागपुर हाईवे बता रहा है सर।
अबे देख क्या रहा है, कस्टमर की रिस्पेक्ट नहीं है, हाथ में दो। सॉरी सर। रोक। वन कैपेचिनो। ओके सर। जल्दी ला। सर टारगेट होटल ड्राइविंग में रुका है। सर टारगेट होटल ड्राइविंग में रुका है सर। वहां के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। यस सर। ऑर्डर पहले अपुन दिया था तो तू उसको काय को पहले देता है? सर पहले ऑर्डर उसने दिया था सर। पहले उसने दिया था मतलब अपुन झूठ बोलता है? अपुन अंधा बहरा है क्या? नहीं सर ऐसी बात नहीं। तुम्हारा मैनेजर कौन है? कस्टमर को ऐसे ट्रीट करते हैं क्या? जाकर बुलाओ उसे। चल जा। ऑर्डर के लिए वेट करो, मैनेजर के लिए वेट करो। वेटर तू है या अपुन? साला सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं है अपुन। है मैनेजर को बुलाना। दिमाग की दही कर दी। बताओ ए, खाना खाने वो जहां भी हो एक घंटे में मेरे सामने होना चाहिए। वो ऐसे सुधरने वाला नहीं। रिस्पेक्ट नहीं करते? नॉन सेंस। खुद को बहुत बड़ा महाराजा समझता है क्या? कस्टमर लोग नहीं आएगा तो भूखा मर जाएगा। सर यहाँ की लोकल पुलिस भी आ गई है सर। उनसे कहो हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आए। ओके सर। बोलिए सर क्या हुआ? तू कौन है? कस्टमर से बात करना नहीं आता क्या? आखिर प्रॉब्लम क्या है वो तो बताइए सर। पहले अपुन ऑर्डर किया। पापा जानता हूँ उसे कुछ नहीं कर रहा पापा। और अगर आप ऐसे ही बोलते रहे तो जनता हमसे डरना छोड़ देगी पापा। सर आपने उसके साथ बदतमीजी की है। तेरा मतलब अपुन बदतमीजी किया? सर प्लीज वेट कीजिए, आपके ऑर्डर के लिए वक्त लगेगा। मैं हैंडल करूंगा। मतलब क्या है? अगर उसे छोड़ दिया तो सामने कस्टमर की रिस्पेक्ट नहीं करते हो क्या? ए सर प्लीज आप जाइए यहाँ से वरना पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ठीक है पापा। पुलिस कंप्लेंट करोगे? समझ गया मैं। यहाँ आने पर पुलिस कंप्लेंट करेगा? इधर आकर अपुन बहुत बड़ी गलती किया है। सर अगर आप चुपचाप बैठेंगे तो आपका ऑर्डर भेजता हूँ मैं। देखिए ये मैनेजर, आप लोग बस चुपचाप बैठकर खाना खाते रहिए। अगर आपने आवाज उठाई तो आपको भी पुलिस स्टेशन भेज देगा। रिस्पेक्ट करना तो दूर, पुलिस स्टेशन भेजने की बात करते हैं। अभी यहां से नहीं निकला तो मेरे हाथों मरेगा। चल जा। समझा ना? सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, गलती से हो गया। इट्स ओके। वॉशरूम उस तरफ है। धत, पूरा नशा उतार दिया। नंबर पर कॉल करो। ए मेरा फोन। सर वहां देखिए। छोड़ो छोड़ो। दिशा कहाँ है? कहाँ है दिशा? छोड़ो दिशा।
अरविंद बोल, चलो दिशा कहाँ है, क्या किया तूने उसके साथ, बोल, बोलता क्यों नहीं तू, बोल दिशा को कहाँ छुपा कर रखा है तूने, बोल सर छोड़ दीजिए उसे सर, सर छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो बोल कहाँ है मेरी बीवी, नहीं छोड़ो सर, कहाँ है वो, बोल सर पीछे हट जाइए, कंट्रोल योरसेल्फ चलो चल चल। हेलो मिस्टर अरविंद, हाँ बोलिए, रिपोर्ट्स आ गई हैं, कंग्रेचुलेशंस आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। hey, सच बोलेगा ना तो घर जाएगा। अपुन बोला ना सर, अपुन का फोन से कोई संबंध नहीं है, वो फोन अपुन का नहीं है सर, अपुन को जाने दो ना। ए रमन, कुछ बताएगा नहीं? वही फिल्मी डायलॉग सर। क्या? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, छोड़ दीजिए। आप अंदर नहीं जा सकते। डंडा मुझे दे जरा। तुम कहाँ रहते हो? इंदिरा नगर सर। तो फिर वहाँ पर क्या कर रहे थे? वहाँ नहीं जा सकती क्या? जितना पूछा उतना ही बोल। सर, फ्रेंड से मिलने आया था सर, उसके आने में देर हो रही थी तो कॉफी पीने होटल गया। नाम था। क्या है? फ्रेंड का? सर 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 सर, नवीन नाम है अपुन का। फोन नंबर? 9966399911 सर। ये नंबर तो इससे अलग है। हाँ सर। ये नंबर किसका है? ट्रू कॉलर में देखिए, इजीली मिल जाएगा सर। ट्रू कॉलर में देखो, मुझे बताएगा सर, मुझे बताएगा। मत मारिए सर प्लीज, मैं नहीं जानता हूँ किसका नंबर है सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं नहीं जानता हूँ सर। तो फिर ये फोन तेरे पास कहाँ से आया? ऑलरेडी अपुन बताया ना सर, वो अपुन का नहीं है। तो किसका है? मेरे पीछे की टेबल वाले ने मुझे मारा था सर, अपुन को उस पर गुस्सा आया तो अपुन ने उसका ये फोन चुरा लिया था सर। इसका वॉलेट देना जरा। नवीन कुमार, उसे भगाने के लिए आया हो शायद। हाँ, वो कैसा दिखता है? लंबा था वो, आंखें शिकार पर जा रहे शेर की तरह थी, गुस्से में था। वो आपको नहीं मिलेगा, वो बहुत ही चालाक है। सर, ये तो फिल्म का डायलॉग बोल रहा है सर। सर 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 मत मारिए सर, सर मत मारिए सर, सर स्केच कैसे बता सकता हूँ सर, सर देखकर पहचान लूंगा। वो फोटो देना जरा। सर ये है? नहीं सर। ये है? ये नहीं सर। सर 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 ये दिखाइए ना। क्या है ये? अरे ये उसे दिखाइए ना सर, एक बार दिखाइए ना सर, शायद ये हो सकता है। प्लीज ये भी नहीं सर। LBW अंपायर की तरह इतना वक्त क्यों लिया अबे? सर 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 सर, CI साहब लाइन पे है सर। हाँ सर, अपुन का कोई लेना देना नहीं है सर, अपुन को छोड़ दीजिए सर। ठीक है, छोड़ दो इसे। वैसे अगर वो पकड़ा गया तो यही तो पहचानेगा, उसके मिलने तक यहीं रहेगा तू। सर गोपी, सर टेलीफोन ऑफिस से उस नंबर की डिटेल लेकर आओ। ओके सर, गाड़ी की चाबी लेकर जाना। ठीक है।
सर। क्या सर? वो गौतम दोबारा फेसबुक पर लाइव आकर उस एमएलए और उसके बेटे पर इल्जाम लगा रहा था। उसे डराने के लिए कहा तो तुमने डराया क्यों नहीं? सर मेरी बात तो सुन। एक छोटे से लड़के को भी हैंडल नहीं कर सकते तुम। सर उसे थाने पर लाकर वार्निंग दी थी सर, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं सुनना। तुम पहले उसे पकड़ कर ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके सर। गोपी। सर। टेलीफोन ऑफिस बाद में जाना, वो गौतम है ना, उसे थाने लेकर आओ। ठीक है सर। क्या हुआ यार, तेरा फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा था? पुलिस मुझे ट्रैक कर रही है, इसलिए फोन स्विच ऑफ कर दिया, जस्ट इन केस। तुम लोग भी अपना ध्यान रखना। चल अंदर, चल चल चल। इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आपको फोन कर रहे थे, स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए कहाँ ले जाए समझ नहीं आ रहा था, यहाँ ले आए। ठीक है, अंदर ले जाओ इसे। सर 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 प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर 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 प्लीज सर सर प्लीज सर। सुबह से वो गौतम दिखाई नहीं दे रहा सर। कहीं उस मुन्ना के हाथ तो नहीं लग गया? पता नहीं सर, हो सकता है। अगर उसे कुछ कर दिया तो प्रेस वाले फिर से बखेड़ा खड़ा करेंगे। चलो एमएलए के घर। ठीक है सर। सर सर छोड़ दीजिए सर, सर ऐसा दोबारा नहीं करूंगा सर, प्लीज सर छोड़ दीजिए सर मुझे। तेरे पेज का नाम क्या है बे? सर मुझे जाने दो प्लीज सर। जो पूछा है उसका जवाब दे। जो भी हो मुझे उससे क्या सर? कोई भी हो तुझे फर्क नहीं पड़ता। तेरी सर 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 नहीं सर नहीं सर प्लीज सर छोड़ दी। ए, उस दिन कहां गई है अकल? उस दिन वार्निंग दी थी, नहीं माना, अच्छी तरह समझाया फिर भी नहीं माना, और कैसे समझाऊं तुझे? Thank you.
छुपा के रखा है। भैया भैया आप दिशा के हस्बैंड है ना? ए, मैं कौन हूँ ये जाने बिना तू इतना दूर भाग रहा था मुझसे? मैं आपको योगेंद्र समझकर भाग रहा था भैया। मत कर साले। कर्जा नहीं चुकाया तो उसके आदमी लोग आकर मार कर गए थे भैया। ए, मेरा चेहरा देखकर तुझे लग रहा है कि मैं तेरी बात मान लूंगा? प्रॉमिस भैया, चाहे तो दिशा से पूछ लीजिए, वो पैसे उसी ने अरेंज किए थे। दिशा को किसी ने किडनैप कर लिया है दोस्त। हा? ये क्या कह रहे हो भैया? वो पिछले एक हफ्ते से गायब है और मुझे शक है कि ये उसी का काम है जो उसे अच्छे से जानता हो। वैसे कॉलेज के दौरान कोई ऐसा था जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हो, उसे सताता हो? हे, कहाँ गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या बात है, तुम इतने खुश क्यों हो? कुछ नहीं। कहीं उनमें से किसी पर लाइन तो नहीं मार रहे हो? बताओ बताओ बताओ। नो नो नो, हेल्प करूंगी। नो नो नो, अरे बताओ ना। ये क्या, मुझे भी नहीं बताओगे? दिशा, हाय, दिस इज सिद्धार्थ। मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे मुन्ना कहते हैं। यू आर सीनियर। ओह, कल तुम्हारा प्ले देखा, मेरे सारे दोस्त तुम्हारी एक्टिंग देखकर तुम्हारे फैन बन गए। ओह थैंक्स। हाय, पर मुझे नहीं लगा तुमने ज्यादा कोई एक्टिंग की होगी। अगर एंजल ही एंजल का कैरेक्टर करेगी तो उसमें एक्टिंग कैसी, बोलो? स्वीट। कौन सा डिपार्टमेंट है? एचआर। हे, मैं भी एचआर में हूँ। कॉफी? हाँ श्योर, बट सम अदर टाइम। श्योर, टुमारो? ओके, ठीक है। अपना नंबर बताओ, आई मीन आई विल रिमाइंड यू। या दिशा, सेमिनार का टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए। ओह, आई एम सॉरी, लेट हो रहा है। चलो। अच्छा तो कल मिलते हैं। श्योर, चलो बाय। लेकर आए हो? प्राइवेसी के लिए। प्राइवेसी किस लिए? उस समय हम दोनों के बारे में लोग क्या क्या बातें करते थे। अब मेरी एमबीए भी हो गई है, अगर हम दोनों कैंपस में फिर से दिखाई दे तो लोग क्या सोचेंगे? तो सोचने दो ना, हम क्या हैं हम जानते हैं ना। या ट्रू। तुम जिम जा रहे हो क्या? पहले से काफी फिट लग रहे हो। एक महीने पहले ही ज्वाइन हुआ था। किसके लिए मेहनत करके कैलोरीज बर्न कर रहे हो तुम? हाँ, To the one who deserves. ठीक है, मेहनत करो खूब। कैलोरीज बर्न करने के लिए हर बार मेहनत करने की जरूरत नहीं, कभी कभी कुछ और भी मिलता है। कैसे? एक मिनट तक किस करने से 26 कैलोरीज बर्न होती है, जानती हो? मतलब उसके दूसरे एडवांटेजेस भी है, लाइक स्ट्रेस रिलीविंग एंड ब्रेन गुड फंक्शनिंग। मुझे यहाँ पर थोड़ी परेशानी हो रही है, बाहर बात करते हैं हम। शिट। चल 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 चल।
दिशा, आर यू ओके? हाँ। तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। मेरे बारे में क्या सोचती हो? यू आर माई गुड फ्रेंड, आई लाइक यू एंड आई लाइक टू हैंग आउट विद यू। वैसे क्यों पूछ रहे हो तुम? आई लव यू दिशा। आज तुम्हें क्या हो गया है? ये फीलिंग हमेशा थी, बस आज बताने का मौका मिला। घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। ये क्या, अभी तो तुम्हारी एमबीए चल रही है, इतनी जल्दी क्यों? और तुम तो बिजनेस करना चाहती थी ना? क्यों, शादी के बाद मैं बिजनेस नहीं कर सकती हूँ क्या? कर सकती हो, लेकिन लाइफ में बहुत कुछ देखना बाकी है। तुम्हें अपना बिजनेस सेट करना है, उसे डेवलप करना है, मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, नाम कमाना है, और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए बहुत आगे बढ़ना है। दिशा, तुम अपने पापा से कहकर शादी रुकवा सकती हो ना? हाँ, लेकिन रोकने के लिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है। व्हाट, यू डोंट हैव अ रीजन? मैं नहीं हूँ। तुम मुझे कन्विंस करने से अच्छा मेरे पापा से शादी की बात करोगे तो हमारी शादी के ज्यादा चांसेस होंगे। अभी मेरे पापा कॉपरेटर हैं, नेक्स्ट एमएलए सीट के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी शादी की बात अभी नहीं कर सकता। और अगर मैंने प्यार व्यार का नाम ले लिया तो मुझे मार देंगे। तो जब शादी नहीं करनी तो आई लव यू क्यों कहा तुमने? ऐसा तो नहीं है ना कि प्यार करने वाले सब शादी करते हैं, जब तक मौका है एंजॉय करते हैं, जब नहीं कर पाए तो छोड़ देंगे। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, तुमने प्रपोज किया इसलिए मैंने पापा से बात करने को कहा, क्योंकि वैसे भी मेरे पापा लड़के को देखभाल करके ही मेरी शादी करेंगे, पर तुमने क्यों प्रपोज किया है अभी मुझे समझ आया। दिशा, लेट मी एक्सप्लेन, लिसन टू मी, ये सब कॉमन है दिशा, इतना ओवरएक्ट क्यों कर रही हो? अरे जाओ, जहां जाना है जाओ, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकती। चल चल चल। ये वही मुन्ना है जिसकी मैंने बात की थी भैया, ऊपर से वो एमएलए का बेटा है, वो कुछ भी कर सकता है भैया। नमस्ते साहब। छोटे बाबू हैं? दो दिन से घर नहीं आए साहब। कहाँ गए? पता नहीं साहब। अच्छा, अर्जेंटली आने के लिए कहा था, फोन स्विच ऑफ बता रहा है, अब क्या करें? साहब, माधवपुर में और एक फ्लैट है, छोटे बाबू ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ वही रहते हैं साहब। माधवपुर में कहाँ? अयप्पा सोसाइटी के कार गैरेज वाली बगल वाली बिल्डिंग है साहब, 410 में रहते वो। ठीक है, दिशा ने मेरी बहुत मदद की, आपको कभी भी कोई भी मदद चाहिए तो प्लीज फोन कीजिएगा। सर, अरविंद का फोन है। अरे यार, हाँ अरविंद बोल। आपसे मिलना है सर। ऐसा करते हैं, कल मिलते हैं, थोड़ा बिजी हूं मैं। नहीं सर, मुझे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है सर, आपसे मिलना जरूरी है। ठीक है, एड्रेस भेजता हूँ, एक काम करो तुम वहीं पर आ जाओ। ठीक है सर, उसे एड्रेस भेज दो। ओके सर। सर, यहाँ तो बिजली ही नहीं है, लिफ्ट भी काम नहीं करेगी, सीढ़ियाँ किधर हैं? हाँ, सामने है सर। यही है? हाँ सर, 410। जा देख।
अलावा सर यहाँ क्यों आए हो? वो गौतम सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है। गौतम? कौन गौतम? देखो मुन्ना, अगर उससे कुछ हो गया ना तो बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। मेरी बात मान लो और उसे छोड़ दो। क्या सर, कुछ भी बोलते हो। वैसे भी शहर में कोई भी गायब हो मुझ पे ही आप शक करते हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी करने दो। ये फ्लैट सर्च करना है। फ्लैट सर्च करना है? ए, पापा को कॉल कर। ऐसा हिसाब कहाँ है? वेट करो। और कितनी देर तक? कमरे में ले जाइए। रावण सर यहां आओ। वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन ये बात बाहर ना आने की जिम्मेदारी तुम्हारी, समझ गए ना? जाइए। अरविंद, इसे पकड़ो। अरविंद, इसे पकड़ो। सर वो, हाँ अरविंद चलो। गौतम मिल गया पर उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हाँ मैं ध्यान रखूंगा कि बात बाहर ना आए। ठीक है सर, उसके पेरेंट्स से मैं बात कर लूंगा सर। ए, अब ये सब यहां से हटाना पड़ेगा, समझे? ओके ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जरा संभाल के। ठीक है सर। सर सर वो इन्फॉर्मेशन ये है कि कल थाने आ जाओ, देखते हैं। नहीं सर, वो कल थाने आ जाओ, वहीं बात करेंगे। सर सर प्लीज सर। हाँ कल 10 बजे तक रिपोर्ट में दे दूंगा। हाँ आई गेट टू हिम सर। ठीक है, अंदर आओ। हाँ श्योर सर।
नीचे जा रहा हूं। दिशा को कहां छुपाया है? क्या किया उसके साथ? कैसी दिशा? मैंने कहा छुपाया? क्या बोल रहा है तू? छोड़ दे मुझे। कैसी दिशा? देख, ये मेरी वाइफ है दिशा। तू कॉलेज में इसके पीछे पड़ा था ना? बता उसे कहां रखा है। इसे जानता हूं तो क्या मार डालोगे मुझे? कॉलेज में तू हाथ धोकर इसके पीछे पड़ा था, उससे झगड़ा किया था, मारने की धमकी भी दी थी, सब जानता हूं मैं। अब सीधा सीधा बता दे वो कहां है तो जिंदा बच जाएगा, वरना यहीं तेरे को मार दूंगा मैं। मैं दिशा को कॉलेज में फॉलो करता था, ये सच है। उसे वार्निंग दी थी, ये भी सच है, पर उसके बाद से मैं उसे कभी नहीं मिला। उस पर ध्यान देने का वक्त भी नहीं है मेरे पास। अब तेरी बीवी तुझे नहीं मिल रही है तो पागलों की तरह तू मुझे मार रहा है। लेकिन याद रख, अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और अगर तेरी बीवी मुझे मिल गई तो उसे भी मार दूंगा। सर,
गौतम की हालत अब कैसी है? अब तक होश में नहीं आया सर। सर फोन कॉल्स की डिटेल्स लाया हूं। सर 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 अब उनको दिखाइए सर। तूने इसी का फोन चुराया था? सर यही था सर, यही था। रमन सर कल हमारे साथ जो अरविंद आया था सर वो थाने आया या नहीं? नहीं आया सर। सर 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 अब तो तुमको मिल गया ना, अब उनको छोड़ दो सर। ये नंबर तेरा ही है ना? मेरा ही है। इस नंबर से दिशा के फोन पर मैसेज आया था। मेरे फोन से तुम्हें मैसेज कैसे आ सकता है? सेव मी ऐसा मैसेज मुझे आया था, वो दिशा ने तुम्हारे फोन से ही किया होगा मुझे। तो अब बता वो कहाँ है, बोल वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा तू। पागल है, तेरे बताने तक मुझे दिशा की याद नहीं आई, उसे मैं क्यों छुपाऊंगा? साले तेरे को नाटक सूझ रहा है? ये देख देख तेरा नंबर ये ना है कि नहीं है? नंबर मेरा ही है, मेरे नंबर से मैसेज कैसे आया मुझे नहीं पता, दिशा से मेरा कोई लेना देना नहीं। ए, मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे मारूं, तो बता मेरी बीवी कहां है? हाँ तेरी बीवी को मैंने ही छुपाया है, कहां है नहीं बताऊंगा। क्या उखाड़ेगा, मारेगा मुझे, मार मार। एक बार मुन्ना का नंबर ट्राई करो। स्विच ऑफ बता रहा है सर। ठीक है चलो। अब बोल दे वरना तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मार मुझे, मार दे। सर ये तो अरविंद की बाइक है। अरविंद को फोन लगाओ सर। सर नोट रीचेबल है। ठीक है चलो। दिशा बहुत अच्छी लड़की है यार, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। एक आर्मी मैंने उसके साथ झगड़ा कर लिया, गलती मेरी ही थी, खामखा झगड़ा किया। मुझे तो उसे सॉरी बोलने का मौका तक नहीं मिल पाया। उसको गायब हुए आज एक हफ्ता हो चुका है। शायद उसे लग रहा होगा कि मैं अब तक उसे बचाने क्यों नहीं आया। वो सोच रही होगी कि शायद मैं उससे प्यार ही नहीं करता, बल्कि मैं तो उसे दिल हो जान से प्यार करता हूं। ए मुन्ना
बता देना यार, प्लीज बता देना वो कहां पर है। देख यार, वो मां बनने वाली है। हे मुन्ना, 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 बताना, बताना प्लीज, प्लीज बता दे दिशा कहां है। पानी है, पानी। सर, सर, ये देखिए दिशा की कॉल लिस्ट है सर, इसमें मुन्ना का नंबर ही नहीं है सर। क्या? हाँ सर, मुन्ना के नंबर से दिशा को एक भी मैसेज नहीं आया है। लेकिन दिशा के मोबाइल पर सेवमी का मैसेज आया था ना। हाँ सर, वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दिशा के मोबाइल पर एसएमएस कब आया था? वो एसएमएस जून 12 का है सर, दोपहर 12:24 पर बुधवार, लेकिन वो मुन्ना का नंबर नहीं है, किसी दूसरे का है। मुन्ना के नंबर से मैसेज तो आया था लेकिन। हाँ सर, लेकिन कॉल रजिस्टर में उसका नंबर नहीं, इसका मतलब नहीं है सर। यानी कहीं तो कुछ गड़बड़ है। सर, उस दिन सच में तुमने इसी का फोन चुराया था या फिर खुद बचने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा? सर यही था सर, प्रॉमिस। झूठ कहना होता तो उसी दिन किसी की भी फोटो बता देता ना सर। सर सर सर, अब तो मिल चुका है ना तुमको, अब उनको जाने दो सर, प्लीज सर। ठीक है, इसे छोड़ दो। ओके सर, जब भी बुलाओ तुझे आना पड़ेगा, समझा? हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। अरविंद का नंबर ट्रेस हुआ? सर, गोकुल धाम के बाद सिग्नल आना बंद हो गया था सर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन सिग्नल रीच नहीं कर पाए। अगर सिग्नल मिल जाता तो हम उसके पास पहुंच जाते सर। सर, अरविंद के अपार्टमेंट का वॉचमैन ये है। नमस्ते सर। हाँ ठीक है ठीक है, इतने दिन से कहाँ था तू? मेरे भाई का गांव में एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मुझे अचानक जाना पड़ा सर। अच्छा ये बता, तूने कहा कि उस दिन कार से अपार्टमेंट में कोई आया था, उसे देखेगा तो पहचान जाएगा? हाँ सर, पहचान जाऊंगा सर। ये था? हाँ, ये नहीं है सर। सर ये? हाँ ये बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है, तुम जाओ। सर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा, बिना बताए कहीं मत जाना। ठीक है सर। हाँ चलो जाकर। हाँ। बाहर बैठो। सर सर, यही था सर, उस दिन बिल्डिंग में आया था ना सर, ये वही है सर। मदन जी से ना? हाँ। वहाँ लेफ्ट में पार करके जाइए गाड़ी। ओके। hey, चाकू नीचे फेंक दे, फेंक दे चाकू नीचे, नहीं तो गोली मार दूंगा। ड्रॉप इट, छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे, छोड़ छोड़ दे, नहीं तो गोली मार दूंगा। सर, अरविंद का नंबर ट्रेस हो गया है सर।
नो मुन्ना स्टॉप इट। हे मुन्ना रुको, कानून को अपने हाथ में मत लो, लिसन टू मी। मुन्ना स्टॉप इट, स्टॉप इट। मुन्ना गोली चला दूंगा मैं। मुन्ना रुक जाओ, वरना गोली चला दूंगा, गोली मार दूंगा मैं। मुन्ना, मुन्ना, दिशा कहाँ है मुन्ना? हे, मुन्ना दिशा कहाँ है? दिशा का किडनैप नवीन ने किया है। तुम्हारे अपार्टमेंट के वॉचमैन ने उसे देखा और पहचान लिया। जब वो भाग रहा था तो अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट से मारा गया। उसके कमरे में तुम्हारे अपार्टमेंट की फोटोज, तुम्हारी और दिशा की फोटोज, तुम्हारे एरिया का मैप, ये सारी चीजें मिली। और तुमने जो लगेज बैग बताया था उसके अंदर खून से रंगे कपड़े भी मिले हैं। ये कपड़े दिशा के ही हैं। हमने हर तरह से क्रॉस चेक करके देखा। इस किडनैप से मुन्ना का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वो मैसेज? कॉल रजिस्टर में मुन्ना के नंबर से दिशा को एक भी कॉल या फिर मैसेज नहीं किया गया है। किडनैप करने वाले नवीन ने मुन्ना को फंसाने के लिए दिशा के फोन में एक फेक नंबर सेव कर दिया। नेम कॉलम में नाम के बदले मुन्ना का नंबर डाल के हमें गुमराह कर दिया। तो फिर दिशा? सर बताइए ना सर, दिशा को क्या हुआ? किडनैप पैसों के लिए नहीं किया गया, कह नहीं सकते वो सेफ है या नहीं। वैसे भी एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, इसलिए उसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग हीरोइन। ओके सॉरी। दिशा के मिसिंग केस में एक एक करके पहेलियां खुल रही हैं। इससे संबंधित और अधिक जानकारी सामने आई है। एक हफ्ते पहले दिशा नाम की लड़की का किडनैप हुआ था। कल पुलिस स्टेशन के सामने एक्सीडेंट में जिस नवीन की मौत हुई, उसी ने दिशा को किडनैप किया था। अब ऐसा लगता है कि दिशा की भी मौत हो चुकी है। बॉडी की तलाश जारी है। जितनी जल्दी होगा हम इस केस को क्लोज कर देंगे। सॉरी अरविंद, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। इस वक्त ये पूछना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट तुम एक बार आ सकते हो? पहले मैं तुम्हारे लिए कई मीटिंग्स कैंसिल कर चुका हूँ अरविंद, लेकिन ये मीटिंग नहीं कर सकता। बस मीटिंग अटेंड करके चले जाना। ओके सर, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू अरविंद।
सप्ताह से सुर्खियों में था दिशा किडनैपिंग केस, वो आखिरकार सॉल्व हो गया। इस वक्त हम अभी वही हैं जहां पे ये घटना घटी थी। आखिरकार ये किडनैपिंग हुई कैसे, किडनैपर ने सबके सामने सबकी आंखों में धूल झोंककर दिशा को कैसे ले गया, आइए पता लगाते हैं। आप कुछ रोशनी डालेंगे? उस दिन सुबह के 11 बज रहे थे तभी उसकी यहाँ पर गाड़ी आई। मैंने पूछा कहाँ जाओगे, उसने कहा 14 से 1 में जाना है, तो मैंने कहा जाओ। उसके बाद वो आधे घंटे के बाद चला गया था। जाते समय उसके पास बैग था क्या? बैग तो नहीं देखा था क्योंकि उस वक्त मैं इस्त्री कर रहा था, लेकिन वो लिफ्ट से नीचे आया था। बस उसे लिफ्ट से आते देखा। आपने कहा कि आपने उसे लिफ्ट में ऊपर जाते हुए देखा? हाँ सर, देखा था मैंने। हाँ नहीं नहीं, आप ठीक से याद करो, जब वो ऊपर गया था तो लिफ्ट में ऊपर गया। हाँ सर। जब वो नीचे आया तो क्या वो लिफ्ट में नीचे आया था? हाँ सर, लिफ्ट से ही आया था। सर, उस दिन दिशा को किसी एक ने नहीं किडनैप किया था बल्कि दो ने किया था। एक तो नवीन है लेकिन दूसरा कौन है ये हम नहीं जानते। दो कैसे हो सकते? हाँ सर, उस दिन नवीन के साथ कोई और भी अपार्टमेंट में आया था। क्या कह रहे हो तुम? सर, वॉचमैन को पूछने पर उसने बताया कि नवीन को उसने नीचे आते हुए लिफ्ट में देखा, लेकिन उसके हाथ में उस वक्त बैग नहीं था सर। हाँ तो? बच्ची ने कहा कि बैंगल सीढ़ियों पर मिली थी, इसका मतलब किडनैपर सीढ़ियों से नीचे आया था सर, और नवीन लिफ्ट से नीचे आया था। सो जरूर नवीन के साथ कोई और भी था सर। जब नवीन वॉचमैन को डाइवर्ट कर रहा था तो दूसरे ने बैग लेकर उसे डिक्की में डाल दिया। तो हो सकता है कि दिशा इस वक्त उसी के पास हो। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूं अरविंद, लेकिन कोई दूसरा किडनैपर नहीं है। हमने डिटेल स्टडी की है, वहां सिर्फ एक ही आदमी आया था और वो मर चुका है। अब इन सारी बातों का कोई भी मतलब नहीं है अरविंद। नहीं सर, उस बच्ची ने खुद मुझे कहा कि बैंगल सीढ़ियों पर मिली थी। एक बच्ची की बात सुनकर तुम इतनी बड़ी कहानी बना रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। यू नीड सम रेस्ट अरविंद, गो। सर प्लीज गिव मी अ ब्रेक। वो दूसरा आदमी मदन भी तो हो सकता है सर, नवीन को भी उसी ने मारा है सर। उसके मेंटेनेंस में सीसीटीवी कैमरास 1 हफ्ते से काम नहीं कर रहे। इट जस्ट कांट बी अ कोइंसिडेंस। सैडली इट वाज अ कोइंसिडेंस। उस नवीन को मैं नहीं जानता हूं सर, वो तो भागते हुए मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। दिशा जिस दिन गायब हुई थी वो तेरे घर पर आया था, ऐसा वॉचमैन का कहना है। तेरा क्या कहना है बता। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, उसका चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा सर। सर मैं अपनी वाइफ को पिक करने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ सर, चाहे तो आप खुद देख लीजिए, मेरी वाइफ की टिकट्स वो ट्रेन से आ रही है, ये देखिए, देखिए ना सर। क्या इसकी वजह से उसे छोड़ दिया? आजकल टिकट को मैनिपुलेट कर सकते हैं सर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप जानते हैं। उसने सच कहा, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मदन या फिर मुन्ना, इनमें से ही कोई दूसरा आदमी है। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इस केस को क्लोज कर दिया गया, दोबारा से कहानी सुनाकर इसे स्टार्ट नहीं किया जा सकता। हमारे पास सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे केसेस हैं। क्या कहा, केस क्लोज कर दिया? कैसे कर दिया? मरने वाले नवीन को दिशा को किडनैप करने की जरूरत क्या थी? उसने आखिर मुन्ना को ही क्यों फंसाया? ये सब जाने बिना आप कंफर्म कैसे कह सकते हैं कि कल्प्रिट वही है, और आप केस क्लोज कैसे कर सकते हैं सर? उन तीनों के बीच में क्या हुआ ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये उसी ने किया था। मुन्ना के होश में आते ही उसका स्टेटमेंट ले लूंगा मैं, ठीक है ना? अब हमें हमारा काम करने दो, प्लीज हमें परेशान मत करो। रमन जी सर, बाहर ले जाओ सर। सर चलिए, वेट। केस आपके लिए क्लोज हुआ है, मेरे लिए नहीं। इसे मैंने कभी नहीं देखा। कॉलेज के दिनों से ही दिशा और मैं अच्छे दोस्त थे, कोई भी बात हो मुझसे शेयर करती थी, तो मुझे लगता है दिशा भी नहीं जानती होगी ये कौन है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उसी ने दिशा को किडनैप किया, केस भी क्लोज कर दिया है। अब लेकिन इसे तुम्हारे घर आकर दिशा को किडनैप करने की क्या जरूरत थी?
हो सकता है वो किसी और की मदद कर रहा हो। एग्जैक्टली मुझे भी यही शक है कि नवीन के साथ कोई दूसरा शख्स है, पर वो कौन हो सकता है? मुन्ना क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पुलिस ने कंफर्म कह दिया है कि मुन्ना और नवीन का कोई लेना देना नहीं है। और इतना ही नहीं, दिशा के मोबाइल पर जो मैसेज आया था वो भी मुन्ना के नंबर से नहीं आया था। मतलब पुलिस की बात पर तुम्हें भरोसा है? मुन्ना एक पॉलिटिशियन का बेटा है और ये पुलिस है, वो सब साथ हैं, इसलिए मुन्ना को बचाने के लिए पुलिस ने ये सब ड्रामा किया होगा। थोड़ा दिमाग पर जोर दो अरविंद। एक्सक्यूज मी। हेलो। यस सर। ओके आई विल सेंड माय रिज्यूम सर। आई विल अपडेट। थैंक यू। दारू पीने की क्या जरूरत पड़ गई? दिशा, तेरे माँ बाप को कितनी उम्मीद थी तुझसे? दिशा, दिशा, तू जितना भी रोले वो लड़की नहीं आने वाली है। दिशा, तुझे मन की बात उसे बतानी चाहिए थी। अब उसकी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, प्लीज भूल जा यार। दिशा, दिशा, ए, उठ, चल मेरे रूम पर चलते हैं। नहीं, चल। जा यार, एंजॉय कर। जा मजे कर। शादी करना सब इसी के लिए होता है ना? हाँ, फिर तुम इतने दुखी क्यों होते हो? लाइट ऑफ कर दो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड और मुझ में फिर कोई फर्क नहीं रहेगा। इसी तरह नामर्द बने रहोगे तो उससे क्या, किसी भी लड़की को पसंद नहीं आओगे। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो अपने फ्रेंड को भेजो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो।
ओए, क्या हुआ यार? यार मुझे तो बस दिशा चाहिए, उसे उसे लेकर आते हैं, जरूरत पड़ी तो उसके पति को भी मार देंगे। दिशा अकेले मिल जाए बस काफी है, ले जाने में बहुत आसानी होगी। लेकर तो जाएंगे यार, पर ये तो सोच ये बात कब तक छुपा के रखेंगे? छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस किडनैपिंग में कोई और फंस गया तो? कौन? मुन्ना पर ये इल्जाम आसानी से लगा सकते हैं। मुन्ना ने ये किडनैप किया है, दिशा के हस्बैंड को ऐसा हिंट देंगे। दिशा का हस्बैंड दिशा के लिए मुन्ना के पास जाएगा। मुन्ना के बारे में तू जानता है ना, दोनों में से एक ही जिंदा बचेगा, दूसरा जेल जाएगा। मेरे और दिशा के बीच लाइन क्लियर हो जाएगी, मतलब एक तीर से दो निशाने। कैसा लगा? मधु, दिशा कहाँ है बोलना। हे, बताना दिशा कहाँ पर है? दिशा से बहुत प्यार करता था मैं, जब मैं उसे प्रपोज करने जा रहा था मुन्ना ने आके सब कुछ बिगाड़ दिया, उसके बाद तू आया। हे, पागल है क्या तू? बोल उसे कहाँ छुपा कर रखा है, क्या किया तूने उसके साथ? एटलीस्ट कह दे यार वो सेफ है। सेफ नहीं है दिशा, सेफ नहीं है। जब मैंने अपने मन की फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए तो उन्हें सुने बिना अरविंद 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 कहकर तुम्हारा नाम जपती रही, इसलिए मैंने उसे मार दिया। मुन्ना से मार भी खाई थी, पता है तुम्हें? जब उस दिन वो क्रिकेट ग्राउंड में तुम्हारे साथ मिस बिहेव कर रहा था तो तुम्हें बचाने वाला मैं ही था। What the hell is this? Let me explain. Just leave me, Siddharth. अरे बदतमीजी मत करो। ये सब कॉमन है दिशा। तुमसे ही कह रही हूँ। प्लीज मुझे छोड़ो। दिशा, तुम हद क्रॉस कर रहे हो। और तू है जो अभी तलीस कर रही है। Really love you, Disha. Really love you. Please, Arvind को छोड़ दो। ठीक है, उसे मैं छोड़ दूँगा। फिर तो मेरे साथ चलोगी ना? अगर इसे मार दूँ तो? शादी हो गई है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अरे कैसी शादी दिशा, बड़ों का आशीर्वाद ही काफी नहीं होता दिशा, दोनों में प्यार भी होना चाहिए। ये है दिशा, समझने की कोशिश करो। आई रियली लव यू दिशा। तुमने मुझसे कितना प्यार किया मैं नहीं जानती, लेकिन अरविंद से मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, और मुझसे भी ज्यादा अरविंद मुझसे प्यार करता है। प्लीज प्लीज अब बस करो, प्लीज।
सब कुछ समझ गया, सब कुछ समझ गया, सब कुछ समझ गया। इस जन्म में हम दोनों साथ साथ नहीं जी सकते, एक काम करते एक साथ मर जाते। मैंने ठीक बोला ना, अगले जन्म में पक्का हम दोनों साथ में ही रहेंगे। नहीं। अब तो तुम खुश हो ना? नहीं। कुछ नहीं होगा, थोड़ा दर्द होगा, मान जाओ ना। आखिरी बार तो मेरी बात मान लो दिशा, प्लीज दिशा, प्लीज दिशा, 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 और तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाप रे, लगता है तुझे दिशा से बहुत प्यार है। एक्चुअली दिशा का हाथ काटने के बाद अपना भी हाथ काटना चाहता था, लेकिन मेरा मन बदल गया। मैंने सोचा मेरे सिवा दिशा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तू बचेगा नहीं, कुछ दिन वो गुस्से में रहेगी जानता हूं, फिर बाद में गुस्सा खत्म हो जाएगा और उसके बाद दिशा मेरी हो जाएगी। दिशा से मैं बहुत प्यार करता हूं ना दिशा जिंदा है? क्यों कंफ्यूज हो गया ना? तुझे एक बात बताऊं, दिशा अभी भी जिंदा है, पर कुछ मिनटों में मरने वाली है, मरने वाली है, पक्का मरेगी। उसकी क्या गलती है यार? ए सुन ना मधु, मेरी बात सुन, उसे छोड़ दे यार। अगर दिशा जिंदा रहे तो तुझे मरना होगा। तू जितना भी टाइम वेस्ट करेगा ना, दिशा की सांसें उतनी ही कम होती जाएंगी वहां, और तड़प तड़प के मौत की तरफ बढ़ती चली जाएगी। अगर तुम हाँ कहोगे तो दिशा बच जाएगी। हाँ? क्या कहते हो? मैं जैसा बोलूंगा वो दिशा को बोलना। हाँ? ओके चल घूम जा, चालाकी की तो दिशा नहीं बचेगी। उठ, उठ। Are you feeling better now? ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। I need your statement. बताइए मुझे,
ये सब कैसे हुआ? आपको किडनैप किसने किया? उस दिन सुबह के 11 बजे थे। किससे मिलना है? मधु? कल जब तक हम इंसिडेंट साइट पर गए तब तक मधु की मौत हो चुकी थी। कैसे हुआ ये बताने के लिए एक भी क्लू नहीं मिला। सिवाय इस चाबी के। Have a happy life. Take care. चलो हम सफर मुझे बना लो, मंजिल से मुझे मिला दो, अपना मुझे बना लो, प्यार से मुझे पुकारो, दिल में मुझे उतारो, संग में पल गुजारो, जिंदगी सवारो। जब से तू मुझे है मिला दिल को सुकून है मिला।